सब्सक्राइब कीजिए दाइमा इंग्लिश क्लासेस बेहतरीन इंग्लिश सीखने के लिए और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। फ्रेंड्स, फोनेटिक सिंबल्स पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जहां हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था उससे आगे से हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज दाइमा एंड यू आर वॉचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उससे आगे से हम शुरू करते हैं। था, इसमें थैंक, इसमें टी एंच जो है वो थ की साउंड दे रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। थिंक, यहाँ टी एच थ की साउंड दे रहा है। बात, इसी तरह से क्लॉथ। नेक्स्ट इसमें आता है द, इसको इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दिस, देयर, बैड, क्लाउड। इसको ई जब आ जाता है तो हम द की साउंड मानते हैं, ई को हटा दें तो ये थ आ जाता है, बात, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम लेते हैं एन यानी कि न को। नाइस, थिन, नाइन, नून, इन सब में एन को हम न बोलते हैं और इसको इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प, प्ले, शार्प, पुल, पास। इसमें पी के लिए, स्पेशली प के लिए ये साउंड काम में लिया जाता है, पी। नेक्स्ट फ, जब भी किसी वर्ड में एफ या यू जी एच या पी एच फ की साउंड देते हो तो हम उसको, उसका प्रतीक या उसका सिंबल हम एफ इससे लिखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फूल, फाइट, फाउट, रफ, फाउन। इसमें अगर हम देखें तो एफ या रफ में देखें तो यू जी एच यहाँ पर फ की साउंड दे रहा है तो हम इसको एफ से यानी कि फ इस तरह से लिखेंगे, और फाउन में पी एच आ रहा है और ये भी फ की साउंड देता है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब, बेबी, बल्ब, बाइट, ब्रदर। इन सब में बी का प्रयोग हुआ है और जहाँ भी ब की साउंड आती है हम ये सिंबल लिखते हैं। नेक्स्ट भ इसमें नहीं होता, म, म को किस तरह से लिखेंगे, मून, मैन, विमेन, वुमन। अब यहाँ देखें तो प्लूरल विमेन बोला जाता है और सिंगुलर जो होता है वो वुमन बोला जाता है। इसी तरह से चैम्पियन, मॉन्क, इसमें म की साउंड आ रही है और म का जो सिंबल होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं य, यस, य, येलो, फ्यूअर, स्टूडेंट। इन सब में य का स्मॉल लेटर में हम जे को लिखते हैं, वैसे इसमें फोनेटिक सिंबल्स में ये सिंबल होता है य का, और जहाँ पर भी वाई य की साउंड देता हो या फिर यू से य की साउंड निकलती हो तो हम इस तरह से उसका प्रतीक लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं र की तरफ। र को हम आर, स्मॉल लेटर आर लिखते हैं। रेट, रिच, ब्राउन, ड्रिंक, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ल की तरफ। लिख, ग्लव, कॉल, इन सब में ल को इस तरह से लिखा गया है, वी। नेक्स्ट हम चलते हैं व, व को वी से लिखा जाता है और डब्ल्यू से भी लिखा जाता है। तो जिस भी स्पेलिंग में वी व की साउंड देता हो उसमें हम वी को वी ही लिखेंगे और बाकी सभी के लिए हम व की साउंड के लिए W को लिखेंगे। तो V से स्टार्ट होने वाली या भी V कहीं भी आ जाता है तो V के लिए हम V ही वापस साउंड के रूप, सिंबल के रूप में लिखते हैं। जैसे वॉइस, इसमें V आ रहा है तो हम V ही लिखेंगे, वॉइस इस तरह से हो जाएगा। वाइन, ये इस तरह से हो जाएगा। वाउअल, वेरी। नेक्स्ट हम दूसरा सेकंड व लेते हैं जो W से बनता है। जनरली W से जब, जिसमें अगर किसी वर्ड में W, U, O अगर व की साउंड देते हों तो हम उसको W से लिखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, वाटर,
वॉच, क्वीन, वन, वंस, इन सब में W ही हम लिखेंगे। इस तरह से श, जिसको हम शंकर में काम में लेते हैं, श वो वाला, जनरली एस एच टी आई ओ एन या सी एच, जब भी श की साउंड देते हों तो हम ये प्रतीक उसके लिए लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शिप, वॉश, नेशन, शाई, ब्रश, शैम्पेन। नेक्स्ट हम लेते हैं स, जैसे कि स्लेट, सड़क हम लिखते हैं वो वाला स, स्कूल, स्किन, सिन, सोइल, इन सब में ये स लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं है का, है के लिए हम स्मॉल लेटर एच लिखते हैं, होम, होटल, हिट, हाइट, इन सब में ह प्रयुक्त हुआ है और इसका सिंबल हमने एच लिखा है। लास्ट इसमें आता है ng, यानी कि न, आधा न और ग, जो क और ग के लिए अनुस्वार का काम करता है, ऊपर बिंदी जिसमें हम लगाते हैं वो ng इस तरह से लिखा जाता है, n और j मिक्स। अंकल, इसमें अगर हम देखें तो n के बाद की जो साउंड है वो है क। इसी तरह से ट्विंकल, n के बाद इसमें साउंड आ रही है क। थैंक, इसमें भी n के बाद जो ध्वनि है वो है क की। सिंग, इसमें जो ध्वनि है न के बाद भी वो है ग की। ब्रिंग में भी n के बाद जो साउंड है वो है ग की। तो क और ग के लिए हम ये ng जो अनुस्वार है वो ये लगाते हैं, बाकी सब के लिए हम n का प्रयोग ही न के लिए करेंगे, केवल क और ग के साथ ही ये प्रयुक्त होता है। उच्चारण करने के इंग्लिश में कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ नियम जो हैं जो कि फिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। अंत में प्रयुक्त ए को हमेशा अ लिखा जाता है, आ इसको नहीं लिखा जाता। ए जी ई अगर ये प्रत्यय के रूप में या किसी वर्ड के अंत में आ जाता है तो इसको हम इज लिखते हैं, इज इस तरह से लिखा जाता है। एल एम, एल के बाद अगर एम हो तो एल साइलेंट रह जाता है और इसमें से हम एल को हटा देते हैं और साइलेंट रहने वाले लेटर को एपथोंग्स कहा जाता है, एपथोंग्स। एम के बाद अगर बी हो तो जनरली हम बी को नहीं बोलते, बी साइलेंट रह जाता है। अव, ओ एफ का उच्चारण अव होता है। एन ई डबल एस अगर प्रत्यय के रूप में, सफिक्स के रूप में किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं तो इसको निस पढ़ा जाता है। एल ई डबल एस अगर सफिक्स के रूप में या प्रत्यय के रूप में आया हुआ है किसी वर्ड के अंत में तो इसको लस पढ़ा जाता है। एम ई एन टी भी अगर प्रत्यय के रूप में या सफिक्स के रूप में किसी वर्ड में जुड़ता है तो इसको मंट बोला जाता है। टी एच ई, इसका प्रोनंसिएशन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले प्रयुक्त होता है तो इसको द पढ़ा जाता है और अगर ये वाउवल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आता है तो इसको दी पढ़ा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, क, च, प, फ, स, श के साथ अगर ई डी जुड़ जाता है तो इसको ट पढ़ा जाता है, जैसे बुक्ड, फिक्स्ड, पास्ट, टच्ड। आई आर ओ एन, इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो होता है आई एन। अगर किसी वर्ड के अंत में टी हो और उसके साथ अगर हम ई डी जोड़ते हैं तो इसको टिड पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।